हांसी बरवाला रोड पर कुलाना मोड़ के समीप बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक किराना स्टोर संचालक से गन पॉइंट पर लूटपाट की। गले में रखे 8,000 रुपये की नकदी लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शहर में नाकाबंदी करवाकर छानबीन शुरू की गई। घटना करीब 8 बजे की है। हैरानी की बात है कि जिस जगह लूट की वारदात हुई है वहां से केवल 3 मिनट पहले ही पुलिस की 112 नंबर गुजरी थी। पुलिस की PCR गुजरने के बाद तीनों युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये जो लूट की वारदात हुई है, कहाँ की वारदात है और कितने युवक थे? समय करीब 7:50 पर हमारी 112 नंबर से सूचना प्राप्त हुई कि बरवाला रोड पर एक परचून और चाय की दुकान है। उस दुकान पर तीन नौजवान लड़कों ने, जिनमें से एक मोटरसाइकिल पर बैठा रहा, मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए हुए और दो लड़के दुकान के अंदर पिस्टल पॉइंट पर गल्ला से 8,000 रुपये छीन कर ले गए। जिस सूचना पर मौका पर SHO साहब, CIA इंस्पेक्टर, मैं सब इंस्पेक्टर रामनिवास, ICPPC साहेब उड़ासी मौका पर पहुंचे और अब इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है। इस पर हम लूट का मुकदमा दर्ज करेंगे। नहीं, कोई किसी प्रकार की मार पिटाई नहीं हुई। जो इस दुकानदार के पिस्टल छाती पर पिस्टल लगा दिया और दूसरे लड़के ने गल्ला से 8,000 रुपये निकाल दिए। तो सर, अभी गिने चुने दिनों में यह दूसरी वारदात है, तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे सर? सुरक्षा व्यवस्था तो हमारी 3 मिनट पहले ही 112 कुलाना की तरफ गई थी। बाकी सभी SHO मोबाइल, PCR, SHO साहब की खुद की 5 से 12 बजे तक पेट्रोलिंग है आज, और तमाम PCR राइडर सभी एरिया में है। बरवाला रोड पर कुलाना मोड़ के समीप स्थित साहिल किरियाना स्टोर के संचालक रामफल के साथ यह लूटपाट हुई। घटना के समय वह दुकान पर अकेले थे। बाइक सवार तीन युवक वहां पर आए। सभी ने अपने चेहरे मास्क और कपड़े से ढके हुए थे। एक युवक बाइक पर सवार था और बाइक स्टार्ट रखी हुई थी। दो युवक दुकान के अंदर आए। इस दौरान एक युवक ने रामफल की छाती पर पिस्तौल लगा दी और उसे दुकान के अंदर ले गया। दूसरे युवक ने गले से सारा कैश निकाला और अपनी शर्ट में डाल लिया। दुकान मालिक के अनुसार दो युवकों ने अपने हाथ में पिस्तौल ली हुई थी, जिसके बाद तीनों आरोपी हांसी की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही शहर थाना प्रभारी और CIA टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां पर छानबीन की। दुकान संचालक रामफल ने मामले में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तीन युवक थे जनाब, इधर से आए, पहले इधर गए हैं, अकेला मैं यहाँ बैठा था। यहाँ बैठने के पास माले बीड़ी बाड़ी लेने आते होंगे, उस ते आते ही एक तो यहाँ खड़ा हुआ है और एक अंदर मेरे को पकड़ के, हाथ में मेरा फोन था, खोस लिया और यहाँ लगा के बोला चल तू मेरे को अंदर लेके गया है। और दूसरे ने यहाँ से बस गला खोल लिया है, एकदम पड़े है, और जितने पैसे थे, कागज थे, सभी का सभी डाला कमीज में और फरार हो। तो कितने पैसे लेके गए? 8,000 रुपये। तो किस साइड गए हैं ये? हांसी की तरफ। तो मुंह पे कपड़ा वगैरह बांधा? मुंह पे पहले अंगोछा था, अंगोछा के ऊपर मास्क था, उन ऐसे करे हुआ था और ऊपर को मास्क लगा रखा। तो मोटरसाइकिल नंबर वगैरह देखे? मोटरसाइकिल कोई पिछली प्लेट नहीं थी। आपका नाम क्या है? रामफल। दुकान का क्या नाम है? साहिल स्टोर कराना।